आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये सेकेंड वीडियो है। इसको हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम लोग डायग्राम देखे थे और कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखे थे। यहाँ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इस डायग्राम को हम लोग पहले एक बार देख चुके हैं, वैसे एक बार और हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बीन शेप्ड यहाँ पर दिखाया गया है। ये है दो किडनी है, बीन शेप्ड यहाँ किडनी दिखाया गया है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये बीन शेप्ड किडनी दिखाया गया है, जिसमें ये नंबर में कितना है, 2 इन नंबर है, ये 1 है राइट साइड और लेफ्ट साइड है यहाँ पे सेकेंड। यहाँ लेफ्ट किडनी लिखा हुआ है और ये हो गया राइट किडनी। इस तरह से एक बार हम लोग और समझे हुए भी हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये किडनी से यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। किडनी में ढेर सारे छोटे से छोटे सेल्स होते हैं, यूनिट होते हैं, जिससे कि यहाँ पर ब्लड प्यूरीफाई होकर और एक्स्ट्रा वाटर और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिन के साथ यूरिनरी ब्लैडर में आकर कलेक्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर ये जो किडनी का यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके अंदर ढेर सा बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसमें होते हैं, ये इस दोनों किडनी में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यूरेटर के थ्रू ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो रहा है। ये यूरेटर भी नंबर में कितना है, 2 है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। उसके बाद ये हो गया आपको यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर यहाँ दिखाया गया है, यहाँ किडनी दिखाया गया है और लास्ट में यूरिन जब महसूस होता है बाहर करने के लिए तो ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये फिगर था। इसमें हम लोग देखें, फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं कि क्या क्या है ये। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ए पेयर ऑफ किडनी है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। क्या क्या है हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनीज यहाँ दिखाया गया है, किडनी लेफ्ट और एक किडनी यहाँ पर राइट में दिखाया गया है। तो ये ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर क्या है, ए पेयर ऑफ यूरेटर। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए पेयर ऑफ यहाँ देख रहे हैं यूरेटर, ये यहाँ पर है तो ये नंबर में कितना है, 2 है। उसके बाद ए यूरिनरी ब्लैडर, ए क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये नंबर में कितना है, यहाँ फिगर में दिखाया गया 1 है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। यहाँ हम लोग देख रहे हैं हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। कहाँ से, तो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, यूरिन का जो बनने का प्रोसेस होता है ये इसलिए होता है कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सके। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें दिखाया गया है। जस्ट एज
जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, जिस तरह से लंग्स से CO2 बाहर निकलता है उसी तरह से नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। जिस तरह से लंग्स से क्या बाहर होता है CO2 रिमूव किया जाता है उसी तरह से नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या क्या होते हैं, कभी कभी ये आता है आपको एग्जाम में, तो यूरिया है यूरिक एसिड इस तरह से यहाँ पर ये किडनी के थ्रू बाहर इसको निकालते हैं। जिस तरह लंग्स से CO2 को रिमूव किया जाता है इसी तरह नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है ब्लड से किडनी के थ्रू। किडनी ब्लड को यहाँ पर छानने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बेस ये जो किडनी है ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। आगे हम लोग देख रहे हैं आगे ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये बता रहा है इस डिस्क्रिप्शन में, लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। जिस तरह से लंग्स का अगर आपको डायग्राम याद होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखे थे कि कहाँ पर थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज था। अगर ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम याद होगा तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि एल्वियोलाई उसमें क्या था, थीन वॉल्ड वेरी थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज था। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देख रहे हैं ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ द कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ बताया जा रहा है, कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब कहाँ पर है, ये कैसा है, क्लस्टर में है। कैपिलरी कितना है, क्लस्टर में है, कहाँ पर है, किडनी में है। कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये है किडनी के अंदर का, ये डायग्राम है जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ये जो डायग्राम किस चीज़ का है, पूरा ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। तो नेफ्रॉन जो है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या है, ये जो नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल नेफ्रॉन इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्या है ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें कैसे फंक्शन होता है, कैसे ब्लड कैपिलरीज का अरेंजमेंट है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एरो से ये दिखाया गया है, ये यहाँ नाम दिया गया ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। यहाँ देखिए एक एरो दिया हुआ है जो कि इस साइड से बाहर निकल रहा है, इस एरो के थ्रू यहाँ पर ब्लड इस वोमेंस कैप्सूल के अंदर जा रहा है। कहाँ पर ये जा रहा है, यहाँ एरो दिखाया गया है, ये एरो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ब्लड जो है ये अंदर जा रहा है। ये ब्लड कहाँ पर जा रहा है, तो इस
बोमेंस कैप्सूल, यहाँ नाम देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग क्या यहाँ पर कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये है कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे करके इसका जो ये डायग्राम है, ये इस तरह से ये डायग्राम है दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है आपका यहाँ पर कप शेप्ड ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ से देख रहे हैं कि अंदर की ओर जा रहा है, ये है बोमेंस कैप्सूल। हम लोग क्या इसको बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ ये नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस कप शेप्ड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कप शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये जो यहाँ दिखाया गया है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। यही ये यहाँ पर ये जो है ये दिखाया गया है इस तरह का। तो यहाँ हम लोग आगे देख रहे हैं, इसमें हम लोग इस लाइन को भी समझते चलेंगे और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखते हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ द कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब। यही है ये कप शेप्ड एंड ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है फिल्टर के बाद। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर्स ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। यहाँ देखिए इस डायग्राम में, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए कि यहाँ पर ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ऐसे, और अगर आप कहीं बुक में देखिएगा तो यहाँ पर जो ये आ रहा है इसको हम लोग अफरेंट आर्टेरियोल भी बोलते हैं। तो अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड ये आ रहा है इस बोमेंस कैप्सूल में, और यहाँ पर जो ये ग्लोमेरुलस है, ये नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ये क्या करता है कि इसके अंदर ब्लड को ये यहाँ पर छानने का काम करता है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या करता है कि यहाँ पर ब्लड को छानता है और जो यूरिन होता है, यहाँ देखिए एरो दिखाया गया है, वो यूरिन के साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट ये यहाँ से बाहर आ जाते हैं और ब्लड फिर यहाँ से साफ होकर वो चले जाता है बॉडी पार्ट्स तक, और ये कलेक्ट होकर यहाँ से ग्लोमेरुलस से ये छनकर यूरिन फिर ये आकर यहाँ पर कलेक्टिंग टिब्यूल में, ये कलेक्टिंग डक्ट में ये जमा होता है, और यहाँ से ये कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से ये चला जाता है आपको यूरिनरी ब्लैडर में। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कुछ वाटर अगर, और कुछ ऐसे हैं यूजफुल जो सब्सटेंस हैं, अगर इसमें छन भी जाते हैं तो ये जो है यहाँ कैपिलरीज दिखाया गया है इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक्सेस वाटर है कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ, यूरिया यूरिक एसिड, ये यूरिन के साथ कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाते हैं।
आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये बताया गया है कि सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड्स सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। ये जो रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, वाटर कितना एब्जॉर्ब करना है, कितने वाटर को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। और कितना, और क्या यहाँ बता रहा है कि कितना डिजॉल्व वेस्ट है इसको बाहर निकालना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब। कहाँ ये चला जाता है? लॉन्ग ट्यूब में ये चला जाता है, एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। यहाँ आपको पहले ही बताया गया था डायग्राम में, डायग्राम किडनी का जो डायग्राम था, यहाँ पर आपको देखिए ये बताया गया था कि यहाँ से ये, यहाँ पर ये दिखाया गया था कि ये स्ट्रक्चर है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें कि ये किडनी का डायग्राम है और ये किडनी से यूरेटर है, ये कहाँ ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो एक्सेस जो वाटर होगा वो यूरिन के रूप में कहाँ जमा हो जाएगा, ये इस यूरिनरी ब्लैडर में। और ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ये कब तक यहाँ पर जमा रहेगा, ये जब कब तक ये जो कलेक्शन का यहाँ काम हो रहा है यूरिन का, द अमाउंट ऑफ वाटर reabsorbed depend on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, जो अभी ureter दिखाया गया, the ureter which कनेक्ट्स द किडनी विथ द यूरिनरी ब्लैडर। यह अभी डायग्राम में आपको दिखाया गया, फिगर में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, विच यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन कहाँ स्टोर्ड हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल, कब तक ये जमा होता है? द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। ये कब तक जमा रहता है यूरिनरी ब्लैडर में? जब तक कि ये महसूस नहीं होता है कि इस यूरिन को बाहर निकाला जाए यूरेथ्रा के थ्रू। द ब्लैडर इज मस्कुलर। ब्लैडर कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन है। सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज ए रिजल्ट अब लास्ट में ये बताया जा रहा है, वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। और इस तरह से ये नर्वस कंट्रोल में होने के कारण जब हम लोगों को इसकी ज़रूरत होती है यूरिनेट करने की, जब बाहर निकालने की, तो हम लोग इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बाहर निकालते हैं।
इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये कैसे इसमें फंक्शन हो रहा है। नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बनाएंगे, एग्ज़ाम में भी बताया गया है। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप इसको ज़रूर बनाएंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है। तो अगर ये कहा जाए कि नेफ्रॉन क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे।